नमस्कार साथियों, आज फिर एक बार मुझे काशी के कार्यकर्ताओं से बातचीत करने का अवसर मिल रहा है। सोमवार को जिले और महानगर के कार्यकर्ताओं से बात हुई, कल मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं से बात हुई और संगठन को मजबूत करने, मतदाता पंजीकरण और वेरिफिकेशन के लिए अभियान, जनकल्याणकारी योजनाओं से लोगों को जोड़ने से लेकर के आने वाले प्रवासी भारतीय दिवस में काशीवासियों की भागीदारी, ऐसे अनेक विषयों पर मुझे आप सबसे बातचीत करने का मौका मिला। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों तक इन चर्चाओं की जानकारी जरूर पहुंची होगी और इन पर आगे कैसे और क्या करना है यह चर्चा भी हुई होगी। आने वाले कुछ दिनों में शायद आप बैठ करके इसकी चर्चा करेंगे भी, और मैं मानता हूं यही कसौटी है, यही टेस्ट है कि टीम काशी में कोऑर्डिनेशन कैसा है। कल ही मैं मंडल के कार्यकर्ताओं से कह रहा था कि नीचे से ऊपर तक फीडबैक, सही जानकारियां जानी चाहिए और ऊपर से नीचे तक सही मार्गदर्शन, गाइडलाइंस, और वो भी बहुत ही स्मूथ हो, बिना किसी लॉस फ्लो होता है, न डाइवर्जन होता है न डाइल्यूजन होता है। और तब जाकर के एक टीम एक ही मन से एक ही दिशा में अपनी अपनी ताकत जोड़ करके कार्य को आगे बढ़ाता है। दूसरा, ऐसे कार्यकर्ता जो पार्टी में कोई निश्चित दायित्व लेकर तो काम नहीं कर रहे, क्योंकि व्यवस्था में सबको तो समावेश नहीं किया जा सकता है, लेकिन हम वो लोग नहीं है सिर्फ पदभार के लिए काम करते हैं, हम कार्यभार के लिए जीने वाले लोग हैं। पदभार ये व्यवस्था होती है, कार्यभार ये जिम्मेवारी होती है, और हम जिम्मेवारियों के संस्कारों से पले बड़े हैं। कार्यभार को लेकर के जिंदगी भर जुटे हुए पांच पांच छह छह पीढ़ी हमारे सामने है, यानी जिनका मन जुड़ा हुआ है, जो समय देते हैं, ये सब लोग टीम काशी का उतना ही हिस्सा है जितना कि नरेंद्र मोदी है। आइए, आज भी मुझे अच्छा लगेगा कुछ कार्यकर्ताओं से बात करने का। नमस्ते डॉक्टर मनोज। नमस्कार सर, वंदे मातरम। सबसे पहले मैं काशी की जनता की तरफ से आपको दिल से धन्यवाद देता हूं कि टाटा मेमोरियल कैंसर इंस्टीट्यूट जैसी बड़ी संस्था हमारे अब काशी में हो गई है, जिसे गरीब मरीजों को मुंबई नहीं जाना पड़ेगा और यही इलाज संभव है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि आने वाले विगत समय में काशी के लिए क्या क्या चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं, क्योंकि इस वार्तालाप को पूरा विश्व देख रहा है, पूरा भारतवर्ष देख रहा है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में क्या नए आयाम, क्या नए बदलाव आने वाले हैं, इसके बारे में सर विस्तृत रूप से चर्चा करें, जिससे कि हमारे काशीवासियों को फायदा हो सके। धन्यवाद सर, वंदे मातरम। डॉक्टर मनोज जी, मैं आपका आभारी हूं, क्योंकि आपने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न को स्पर्श किया है। मध्यम वर्ग का परिवार हो, निम्न मध्यम वर्ग का परिवार हो, गरीब परिवार है, अगर परिवार में एक बार बीमारी घुस गई तो परिवार के सारे सपने चूर चूर हो जाते हैं, और किसी भी कितना ही ताकतवर नागरिक क्यों न हो, इन चीजों के लिए वो अपने बलबूते पर कुछ नहीं कर सकता है।
उसे व्यवस्थाएं चाहिए, सरकारी व्यवस्थाएं चाहिए, सार्वजनिक व्यवस्थाएं चाहिए। और हमारा यह मानना है कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे भी हमने बल देना चाहिए। हेल्थ केयर एफोर्डेबल भी होना चाहिए। आज काशी आसपास के क्षेत्र की लाखों करोड़ों की जनसंख्या के लिए मेडिकल हब का काम हो रहा है। विभिन्न राज्यों से लोग काशी से चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। आपको ये जानकर के हर्ष होगा कि आने वाले समय में बीएचयू अस्पताल देश का एक सर्वोत्तम अस्पताल बनने वाला है। एक एमओयू किया गया है जिसके अनुसार यहां पर सुविधा में बहुत सारी बढ़ोतरी की जाएगी। अब बीएचयू को भी एम्स की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है, जिससे सभी को आधुनिकतम चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त होगी। बीएचयू में आधुनिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है। कैंसर के उपचार की सुविधाएं भी विकसित हुई है, और जिसके बारे में आप तो स्वयं डॉक्टर हैं, अब तो काशी की सामान्य जनता भी जानने लगी है। अब मरीज को न सिर्फ अच्छा इलाज मिलेगा, बल्कि कहीं दूर भी उसको जाना नहीं पड़ेगा। टेलीमेडिसिन के द्वारा कई राज्यों के मेडिकल कॉलेजों और हॉस्पिटल्स को भी काशी के साथ जोड़ दिया जाएगा, ताकि सुदूर क्षेत्रों में भी जो लोग हैं वो भी इसका लाभ उठा पाए। बनारस में जल्द ही एक हेल्थ वेलनेस सेंटर भी खुलने जा रहा है। सरकारी कर्मचारियों के लिए CGHS डिस्पेंसरीज भी खुली हैं। यह बड़े गर्व की बात है कि आज भारत में हजारों डॉक्टर मुफ्त सेवा देकर प्रेग्नेंट महिलाओं और उनके होने वाले बच्चे के स्वास्थ्य सुधार में प्रोएक्टिवली सक्रिय योगदान दे रहे हैं। देश भर में लाखों महिलाओं को इसका लाभ मिल रहा है। आयुष्मान भारत के तहत देश भर में वेलनेस सेंटर का एक जाल बिछ रहा है, जिससे लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। पहली बार 10 करोड़ परिवारों को स्वास्थ्य बीमा मिल रहा है, यानी करीब करीब आधी आबादी, जिससे गरीब को बीमारी के खिलाफ लड़ाई में नया बल मिलेगा। और मैं मानता हूं कि जितना बीमारी के बाद उपचारों की व्यवस्था है आवश्यक है, आधुनिकतम व्यवस्थाएं आवश्यक है, उतना ही प्रिवेंटिव हेल्थ केयर भी आवश्यक है। टीकाकरण काम 100% होना चाहिए, स्वच्छता में कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए, पीने का पानी भी कभी कभी बीमारी का कारण बन जाता है। अगर हम समाज जीवन में एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, एक समाज सेवक के रूप में इन छोटी छोटी चीजों में भी अपना योगदान दें, तो हम सामान्य मानवी की जिंदगी में बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। मनोज जी, मैं आपका आभारी हूं, आपने आज आरोग्य के विषय पर मुझे कुछ बातें करने का अवसर दिया। नमस्ते उपेंद्र जी। नमस्कार प्रधानमंत्री जी, मैं उपेंद्र नाथ राय। मैं सर उपेंद्र नाथ राय 15 साल नौकरी करने के बाद इंडियन नेवी से रिटायर हुआ सर 2001। उस टाइम सर पेंशन हम लोगों की बहुत कम थी और हमारे दो छोटे छोटे बच्चे थे। मैं सोच रहा था उनको अच्छा से शिक्षा कैसे दिलाऊं, इसके लिए मैं बहुत मेहनत किया सर।
यहाँ तक कि मैं बच्चे को अपना इंजीनियरिंग पढ़ाई कराया, लास्ट में सर जाते जाते लगा कि हमारे बच्चे की पढ़ाई रुक जाएगी, मगर सर आपके एक निर्णय से हमारी जिंदगी की बहुत सारी समस्याएं खत्म हो गई सर। उस टाइम सर वन रैंक वन पेंशन जो आपने डिक्लेयर किया, इसके वजह से हमको करीब 2 लाख रुपया मिला सर, और आज उसके वजह से हमारे बच्चे की पढ़ाई कंप्लीट हो गई और बहुत बढ़िया तरीका से सेटल हो गए सर। इसके लिए मैं आपको बहुत दिन से सर संपर्क करना चाहता और आज समय से मिला इसका संपर्क सर, आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता था सर। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सर। और सर जब हम लोग नौकरी में थे तो उस टाइम सर हम लोग को वोटिंग करने के लिए बड़ी समस्याएं होती थी, बड़ी दिक्कत होती थी छुट्टियों की, इसलिए सर यदि कोई आपके पास कोई सलाह है इसके लिए तो सर बड़ी आपकी कृपा होगी सर, इसके बारे में कुछ बताएं सर, धन्यवाद सर। उपेंद्र जी आपने तो नेवी में काम किया है तो गुजरात में भी तो काफी समय रहे होंगे आप। जी सर। कहाँ, पोरबंदर में थे? पोरबंदर में थे सर। अच्छा, कितना साल रहे वहाँ? वहाँ पे करीब सब 2 साल थे। अच्छा, तो फिर आप तो भली भांति परिचित हैं सब चीजों से। जी सर। उपेंद्र जी मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि वन रैंक वन पेंशन, इस एक फैसले ने उपेंद्र जी जैसे लाखों सेना के जवानों की जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव लाया है, और सही समय पर पैसे मिलने से वो आपके काम भी आ सके। आपने सर्विस वाटर रजिस्ट्रेशन के बारे में पूछा है जो कि निश्चय ही एक महत्वपूर्ण विषय है। वे लोग जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, इन अलग अलग क्षेत्रों में कार्यरत हैं, उनके लिए चुनाव आयोग ने सर्विस वाटर रजिस्ट्रेशन का प्रावधान किया है। इसका उपयोग उनके परिवार वाले भी कर सकते हैं। यह बहुत ही सरल है। एक वेबसाइट है servicewater.nic.in, www.serviceotr.nic.in। इस वेबसाइट पर जाकर इस विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फौज हो या पैरामिलिट्री में कार्यरत व्यक्ति इसके माध्यम से अपने नेटिव प्लेस जहाँ के का वो रहने वाला है वहाँ की मतदाता सूची में वो अपना अपने परिवार का नाम रजिस्टर करवा सकता है, और यही नहीं बाद में पोस्टल बैलेट या प्रॉक्सी के माध्यम से भी वो वोट डाल सकता है। कल ही कार्यकर्ताओं के साथ वोटर रजिस्ट्रेशन को लेकर मैंने बहुत विस्तार से बात की थी। एक नागरिक होने के नाते यह हम सभी का अधिकार भी है और कर्तव्य भी है कि हम यह सुनिश्चित करें कि हमारा नाम मतदाता सूची में हो। हमारा ही नहीं, हमारे आसपास के लोगों का नाम भी मतदाता सूची में हो, ऐसी जागरूकता आवश्यक है। मतदान के अधिकार पर हमें गर्व होना चाहिए, क्योंकि इसके द्वारा हमें देश का भविष्य निर्धारित करने का बहुत बड़ा अवसर मिलता है। अक्सर हम देखते हैं कि लोग मतदाता सूची में नाम होने के प्रति सजग नहीं रहते हैं। कई बार तो वो लोगों को तब पता चलता है कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है जब वो बूथ पर वोट डालने के लिए पहुंच जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि लोकतंत्र के सबसे बड़े अधिकार यानी मताधिकार से उन्हें वंचित रह जाना पड़ता है। दरअसल यह बूथ के कार्यकर्ताओं की टोली का एक प्रमुख दायित्व है। बूथ कार्यकर्ता अपने बूथ के सभी परिवारों को आपस में बांटकर यह सुनिश्चित करें कि उनका नाम मतदाता सूची में है। आपने अच्छा सवाल उठाया। मैं चाहता हूं कि जो हमारे एक्स सर्विसमैन है उन तक भी आप एक बहुत पहुंचाएंगे।
और मैंने तो देखा है कि एक्स सर्विसमैन सोशल मीडिया में उनके ग्रुप बहुत अच्छे हैं और बहुत एक्टिव है। तो उपेंद्र जी, जरूर आप इसका उपयोग करें, नरेंद्र मोदी ऐप पर भी इसकी जानकारियाँ मिले इसका लिए मैं प्रबंध करूँगा। आप नरेंद्र मोदी ऐप पर से भी इन जानकारियों को प्राप्त करके हमारे सभी फौजी भाइयों को पहुंचा सकते हैं। आनंद जी नमस्ते, सादर प्रणाम आपको। नमस्कार, आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मैं जहां भी जाता हूं वहां ये प्रयास करता हूं कि उस जगह के बारे में कोई भी विशेष बात हो या कुछ भी अच्छा हो रहा हो, उस कार्य में जो भी लोग लगे हैं उनकी मैं फोटो लेता हूं और उसको मैं लाइव करता हूं। उदाहरण के तौर पे अभी मैं कुछ दिन पहले मिर्जापुर गया था, तो विंध्याचल दर्शन करने जा रहा था, तो औराई से मिर्जापुर जाते समय उस रास्ते को हम लोग 1.5 घंटे में तय करते थे, 18 किलोमीटर का रास्ता था वो, लेकिन मैं 18 मिनट के अंदर पहुंच गया। 45 साल की उम्र होगी मेरी और पता नहीं सैकड़ों बार मैं उस रास्ते पर गया हूँगा दर्शन करने माता का, कभी भी मुझे वहाँ की रोड अच्छी नहीं दिखाई दी थी, और 4-लेन रोड, इतनी स्मूथ रोड, बहुत ही इजिली पहुंच गया। और जब से उस रोड को आपने बनवाया है और शुरू ही है, तब से मैं कम से कम 8 से 10 बार जा चुका हूँ माता का दर्शन करने के लिए और परिवार को भी लेके गया। और आपसे एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग इस कार्य में लगे हुए हैं, स्वच्छता के कार्य में और कुछ भी अच्छा काम करने की कोशिश में लगे हुए हैं, उनसे मैं जाके मिलता हूँ, उनके साथ सहयोग करने की पूरी कोशिश करता हूँ, उनके सारे कार्यों का फोटो लेता हूँ, उनकी वीडियो मैं सोशल मीडिया पर लाइव करता हूँ और पोस्ट भी करता हूँ। आपसे ये अनुरोध है कि सोशल मीडिया का प्रयोग करके हम किस प्रकार से सभी सकारात्मक माहौल को बना पाएं, लोगों को उपयोगी जानकारियाँ दे पाएं व इस माध्यम का बहुत अच्छा प्रयोग कर पाएं, इसे कृपया बताएं। बहुत धन्यवाद। आनंद जी, मुझे लगता है कि आप सोशल मीडिया में काफ़ी सक्रिय है और आप मोबाइल फ़ोन का बहुत अच्छी तरह से उपयोग भी कर रहे हैं, और मैं जानता हूं आपके काफ़ी वीडियो बड़े पॉपुलर भी होते हैं, लोग बड़ा, यानी एक प्रकार से आप घूमते फिरते बिना तनखे के पत्रकार बन गए हैं। तो ये अच्छा काम कर रहे हैं और सकारात्मक कर रहे हैं, वरना कुछ लोग तो सारी गंध फैलाने का ही काम करते हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि आप सकारात्मक, अच्छी चीज़ है ताकि समाज को ताकत मिले, उस पर ध्यान दे रहे हैं। और मैं पिछले काफ़ी समय से कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूँ कि वो बदलते भारत को दिखाने वाले छोटे छोटे वीडियो अपने मोबाइल से रिकॉर्ड करें और सोशल मीडिया पर शेयर करें। जब आनंद जी वाराणसी के रेलवे स्टेशन के फ़ोटो हो या ऊर्जा गंगा के तहत चल रहे गैस पाइपलाइन के कार्य की प्रगति का वीडियो शेयर करते हो, तो जो भी इसे देखता है उसको गर्व होता है, देश की क्षमताओं पर भरोसा बढ़ता है। आज भारत ऐतिहासिक और अप्रत्याशित प्रगति कर रहा है, और मैं आपको बताऊं, आनंद जी आप वो काम कर रहे हैं हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम जी भी जहां भी होंगे उनकी आत्मा को आपके कारण शांति मिलती हुई है, क्योंकि वो हमेशा कहते थे कि देश में सकारात्मक खबरों का वातावरण पैदा करना चाहिए, नकारात्मक बातों को इतना हमारे यहाँ तवज्जो दिया जाता है जो देश के सामान्य उभरते हुए इंसान को निराश कर देता है, घर बैठने के लिए मजबूर कर देता है। आप अपने तरीके से डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने जो सपना देखा था कि भाई सकारात्मक चीज़ों की बातों करो, सकारात्मक चीज़ें फैलाओ, और जब आप प्रकाश की चर्चा करते हो तो अंधेरे के लिए जगह बचती नहीं है। और मुझे विश्वास है कि भारत में अब हर गांव में जब बिजली है, भारत में हर गांव में स्कूल है, शौचालय है, भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करने वाले देश बन गया है, भारत दुनिया में सबसे तेज बढ़ने वाली एविएशन मार्केट हो गया है, भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, भारत दुनिया में सबसे तेजी से गरीबी मिटा रहा है, भारत में जितने लोग आज एयर कंडीशन ट्रेन में ट्रैवल करते हैं उससे ज़्यादा लोग हवाई जहाज में सफ़र करने लगे हैं। अब ज़रा सोचिए, ये बातें किस भारतीय को गर्व से नहीं भर देगी। सरकार की योजनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना
हम सब जागरूक नागरिकों का कर्तव्य है ताकि समाज का हर वर्ग इन योजनाओं का लाभ ले सके। और मैं तो कभी कभी हैरान हो जाता हूँ, मोहल्ले में तू मैं दुनिया के हर देश के हर कोने में होती होगी, अड़ोस पड़ोस के बीच में भी कभी कभी लाठी लेकर के रोड पे आ जाते होंगे। मोहल्ले की घटना होती, गांव को भी पता नहीं होता था, लेकिन आजकल ये मोबाइल फोन का उपयोग करने के कारण वो कुछ लोग उसको अपलोड करते हैं और कभी कभी एक मोहल्ले में दो परिवारों की लड़ाई भी नेशनल न्यूज बन जाता है और 24 घंटे चल पड़ता है। ऐसी स्थिति में अच्छी पॉजिटिव चीज़ें जो समाज को ताकत दे, ये अगर हम करते हैं और जब भी हम कोई चीज़ शेयर करते हैं तो क्रिएटिविटी का बहुत बड़ा रोल है। आपने सोशल मीडिया पर देन एंड नाउ वाली कोई फोटो देखी होगी, एक फोटो में पहले काशी की सड़कों पर बिजली के तारों का जंजाल दिखाई गया और उसके पास में अंडरग्राउंड वायरिंग का काम होने के बाद की फोटो दिखाई गई। ये सचमुच में जब फर्क किसी को देखता है तो उसको लगता है हाँ यार कुछ हुआ है। आप एक चीज दिखाओगे तो नहीं होता है, और पिछले 4 वर्षों में सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काशी के विकास के लिए काम कर रही है। आज काशी में सड़कों से लेकर रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट तक आपको विकास दिखाई देगा। काशी में काफ़ी तेजी से बदलाव आ रहा है और सिर्फ वाराणसी महानगर में ही नहीं बल्कि पूरे वाराणसी में बदलाव स्पष्ट देखा जा सकता है। हमारा देश कैसे बदल रहा है, हमारी काशी कैसे बदल रही है, इन सब की जानकारी आपको नरेंद्र मोदी ऐप से भी मिल सकती है। वहाँ इन्फोग्राफिक्स हैं, छोटे छोटे वीडियोस हैं जिन्हें आप खुद देखें और आप उसको आगे फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। ऐप पर वॉलंटियरिंग के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और जाते जाते मैं दो आग्रह आपसे करना चाहता हूँ। पहला, अगले महीने 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा का एक देशव्यापी अभियान शुरू हो रहा है। इस दौरान हम सब मिलकर काशी में क्या क्या कर सकते हैं इसकी योजना अभी से बनानी चाहिए। दूसरा, आगामी 21 से 23 जनवरी तक प्रवासी भारतीय दिवस काशी में आयोजित होने वाला है। दुनिया भर के भारतवंशी काशी आएंगे तो वे काशी की कौन सी छवि लेकर जाएंगे, इस पर हम अभी से सोचें और कुछ न कुछ योगदान दें। अब तक कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने काशी में आकर भारतीय संस्कृति के दर्शन किए हैं, इस बार आपने ही और इस बार अपने ही परिवार के वो लोग, एक प्रकार से मूलतः भारतीय लोग हैं, कोई 2 पीढ़ी के पहले गया, कोई 4 पीढ़ी के पहले गया, कोई 5 पीढ़ी के पहले गया, विश्व भर में अपना और अपने भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, वे काशी आने वाले हैं। ये वो भारतीय हैं जो बरसों बाद अपने मिट्टी के दर्शन करेंगे और हो सकता है कुछ तो ऐसे भी होंगे जो अपने आप को हिंदुस्तान के कहते होंगे लेकिन कभी उनको भारत देखने का सौभाग्य नहीं मिला होगा, वो पहली बार भारत देखने के लिए आएंगे। काशी के लोगों के पास इन सबसे संवाद करने का सुनहरा अवसर होगा। हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें महान भारतीय संस्कृति और सभ्यता का अनुभव करा सके। काशी का हर घर, हर गली, हर मोहल्ला भारतीय रंग में रंगा हो, पूरी काशी हर घर मेहमान नवाजी के लिए तैयार हो। मुझे याद है कि जब शहर से कोई रिश्तेदार घर आता था तो घर के ही अलग अलग परिवारों में इस बात की जिद होती थी कि कम से कम वे हमारे घर में एक दिन तो ठहरे। दुनिया भर के भारतवंशियों के लिए काशी के मन में भी कुछ ऐसी ही ललक पैदा हो। हजारों की संख्या में काशीवासी अपने यहाँ मेहमानों को ठहराएं, साथ ही उन्हें यहाँ की कला संस्कृति से अवगत कराएं। पूरी काशी स्वच्छ और सुंदर हो इसके लिए अभी से तैयारियां करनी होगी। और
मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आप सोशल मीडिया में एक्टिव है, कभी कभार लोग मर्यादाएं चूक जाते हैं, किसी भी झूठी बात को सुना तो आगे कर दिया, देखा तो आगे कर, देखते भी नहीं है कि मैं इससे समाज का कितना नुकसान कर रहा हूं। कुछ लोग तो ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं, ये किसी भी सभ्य समाज को शोभा नहीं देता है। महिलाओं के लिए कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। मैं समझता हूं इसको किसी एक राजनीतिक दल का विषय नहीं है, किसी एक विचार का विषय नहीं है, ये 125 करोड़ देशवासियों की, हम सबको अपने आप को प्रशिक्षित करना होगा कि हम इस टेक्नोलॉजी का, इस विज्ञान का उपयोग कभी भी गंदगी फैलाने में न करें। हमारा स्वच्छता अभियान दिमागी स्वच्छता से भी जुड़ा हुआ होना चाहिए। और कितनी उत्तम चीजें हमारे पास है, कितनी उत्तम बातें हैं, हम उसी को शेयर करें, एक कैसा पवित्र माहौल बना सकते हैं। और इसलिए मैं चाहता हूं कि आपने जिस रास्ते पर आपको इतने घंटे लगते थे, अब इतनी मिनटों में जा रहे हैं, इस बात को देश ने दुनिया को बताया। ऐसी बहुत सी चीजें सकारात्मक, सिर्फ आप नहीं, सकारात्मक खबरें देने वालों की टोली बनाइए, चारों तरफ टोली बनाइए, सच्ची हो, सकारात्मक हो। किसी की भलाई के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, किसी राजनीतिक दल की भलाई के लिए नहीं कह रहा हूं, किसी सरकार की भलाई के लिए नहीं कह रहा हूं, समाज की ताकत बनती है, बहुत लाभ होगा देश को। आपने देखा होगा कभी किसी ऑटो रिक्शा में कोई अपना पर्स भूल जाता है, अंदर 1 लाख 2 लाख रुपया है, और उस ऑटो रिक्शा वाला उसे ढूंढ करके जब पहुंचाता है, आपने देखा वो खबर हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाएगी, हर किसी को आनंद देती है, नया विश्वास देती है। उसमें सरकार की जय जयकार नहीं है, समाज की ताकत की जय जयकार है। और इसलिए मैं कहता हूं सकारात्मक चीजों पर बल दीजिए, और जो भी गंद फैलाने वाले लोग हैं उनको तवज्जो ही मत दीजिए, निगलेक्ट कीजिए, अपना काम करते रहिए, पॉजिटिव करते रहिए। आप देखिए धीरे धीरे इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी समाज के हर व्यक्ति को ताकत दे सकती है। आप सबसे आज बात करने का मुझे मौका मिला, मुझे अच्छा लगा। हम सब इसी तरह से संगठन के, देश के काम को मिलजुल कर आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी काशीवासियों को नमस्कार।